हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड से आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे प्रिंट करेंगे कुछ इस प्रकार से देखिए। यहाँ पर जैसे मैंने पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर सेट किया हुआ है, अगर आप इस तरह से सेट करके कैसे प्रिंट करना चाहते हैं तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आना है आपको पेज लेआउट में, उसके बाद आना है साइज में। ठीक है, और यहाँ से आपको A4 साइज सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन को आपको नैरो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे आपको A4 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मार्जिन को आपको नैरो सेलेक्ट करना होगा, तो आपका जो देखिए आपसे रूलर बार का है साइज आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, आते हैं फोटो को, जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो है आपको यहाँ पर क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी कि इसमें छोड़ना है। तो देखिए ये आपका इधर उधर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो इस पर फोटो पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्मेट ग्रुप आपका ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट वार्पिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या टॉप एंड बटम पर आपको क्लिक करेंगे तो उसके इस प्रकार से ऑप्शन आपका मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका बॉर्डर मिल जाता है, आपको बॉर्डर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, 1 PT आप सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रहा है, अगर ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको छोटा कर लेना है कुछ इस प्रकार से, आप उसके बाद देखिए जहाँ मन करें वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब फोटो आपका क्या हो गया, बॉर्डर भी अच्छा से आ रहा है, यानी हम 1 PT कर ले रहे हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कीबोर्ड से कंट्रोल ड्रैग कर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद माउस से जो लेफ्ट बटन है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है कुछ इस प्रकार से, है ना, देखिए कुछ इस प्रकार से आप इतना फोटो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अगर चाहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करके रखेंगे, अल्ट कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे। ठीक है ना, कीबोर्ड से उसके बाद आपको सभी फोटो को इस तरह से एक एक बार क्लिक करके रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन बन जाएंगे, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, है ना। उसके बाद आपको क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और उसको इन सभी पर रखेंगे प्रेस करके, और इस तरह से आपका माउस कर्सर आएगा, उसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से करना होगा। ठीक है, आप A4 साइज में आप जितना अच्छा सा लगाना चाहें, ठीक है, देखिए जितना चाहे आप प्रिंट कर सकते हैं इसमें फोटो, है ना दोस्तों। तो देख लीजिए, देखिए आपका इतना बनकर रेडी हो गया, क्या है आपका एमएस वर्ड में आपका एक फोटो बनकर रेडी हो गया है। इसमें आप क्या करना है, आपको अब आना है ऑफिस बटन पर, आपको प्रिंट प्रीव्यू पर चेक कर लेना कि देखिए आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखा रहा है ना। अब आपको प्रिंट भी कर लेना है, यहाँ से मैंने मेरा प्रिंटर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, इसमें से आप जो प्रिंटर आपका कलर वाला है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज पर आपको आपको कलर आपका सेलेक्ट कर लेना होगा, कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे आप प्रिंट करेंगे एमएस वर्ड में। इसके लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।